नमस्कार साथियों मैं मानसा ऑनलाइन एकेडमी के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण वीडियो के टॉप 51 वन तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण मुख्यतः किसने किया था वो किया था दोस्तों बी एस ब्लूम ने अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय का प्रारंभ किसने किया बी एफ स्किनर ने किया था एपिडाई किसका सुधरा हुआ रूप है तो वो है मैजिक लेंटन एवं एपी स्कोप का रिक्त स्थान प्रश्नों के प्रतिरूप द्वारा मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है तो वो है ज्ञान की बालक का परिवार समाज और विद्यालय से किस प्रकार का संबंध है वो है अनौपचारिक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं तो इसका उत्तर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना क्या कहलाता है इसका उत्तर होगा सतत मूल्यांकन बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है अवलोकन विधि पाठ योजना की पंचपदी किसने शुरू की हर्बर्ट ने शुरू की थी इकाई योजना का निर्माण किसने किया मोरिसन ने नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान व प्रयोग के मध्य क्या स्थिति देता है बोध स्थिति देता है मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है मांसपेशी क्रियाओं से होता है भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है हृदय से संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है ज्ञानात्मक प्रवृत्ति से होता है हस्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु किसका प्रयोग करते हैं रचनात्मक परीक्षा का प्रयोग करते हैं मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसमें बालक के समाजीकरण का मापन व विश्लेषण किया जाता है तो वह है समाज मिति विधि नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं शिक्षण में ब्लू प्रिंट का क्या उपयोग है यह प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है किस तरह के प्रश्न उत्तम माने जाते हैं तर्कयुक्त प्रश्न किंडल विधि का विकास किसने किया था फ्राबेल ने किया था अंत क्रिया विश्लेषण का विकास किसने किया फ्लेंडर ने किया था उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या है वो है उच्च दिशा दिखाना नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता लगता है ये किसने बताया यह बताया था फर्ग्यूसन ने खेल विधि के सामयान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है वो हैं पियाजे किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया उत्तर होगा ब्लूम ब्लूम ने किया था नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन में उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया 1918 में बोबीद के द्वारा दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया किसने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को स्पष्ट किया ब्लूम ने स्पष्ट किया था अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में अधिक बल किस पर दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण पर दिया जाता है परीक्षण की वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न बनाने होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने होंगे मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र को क्या माना जाता है उपलब्धि परीक्षण निर्माण की आधारशिला माना जाता है लिखित परीक्षा द्वारा किसका उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का मापन होता है भावात्मक पक्ष के मापन है तो कौन सी मापनी उपयुक्त है अभिवृत्ति मापनी उपयुक्त है विद्यार्थियों की गलतियों और कमजोरियों का पता कौन सा परीक्षण लगाता है निदानात्मक परीक्षण लगाता है गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए पांचवी कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कौन सा वाचन गद्दी में उप्रयुक्त होता है परंतु पद्य में उपयुक्त नहीं होता वह है मौन वाचन परोपकार शब्द का अर्थ समझाने के लिए किस विधि किस विधि का प्रयोग किया जाएगा तो वह है संधि विच्छेद प्रेक्षणीयता का आंतरिक पक्ष क्या होता है क्रमबद्धता निर्दर्शित स्वाध्याय से तात्पर्य विद्यार्थी का समुचित विकास यह परिभाषा किसने दी थी बॉसिंग ने दी थी नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह कौन सा परीक्षण कहलाएगा वह कहलाएगा वैद्य परीक्षण उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है अनुकरण वाचन के बाद बालक को किस सोपान से पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है प्रस्तावना से शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है और शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है यह कथन किसका है यह कथन है कोठारी कमीशन का पाठ योजना में सर्वप्रथम किसके निर्माण की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण की प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है प्रस्तावना का मूल आधार सॉरी शिक्षा का मूल आधार प्रस्तावना है शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को समायोजित करने का श्रेय किसको जाता है वो मोरिस्त को जाता है बालक बालिकाओं से सुक्ति भंडार की वृद्धि किस अध्ययन से होती है गहन अध्ययन से प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे वो थी व्याख्यान विधि से अभ्यास और सिद्धांत के मध्य समन्वय की उचित विधि है विश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत कौन सी विधि मानी जाती है संश्लेषण विधि तो दोस्तों आपका धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सअप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों से जुड़ें थैंक यू वेरी मच